आज मैं बना कर लेकर आई हूँ आप लोग के लिए पकौड़ी की रेसिपी। चलिए बना कर दिखाते हैं आप लोग को। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तब आप लोग का पता होगा कि कैसे हम बनाते हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं बनाकर। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है ललसा किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ पकौड़ी की रेसिपी। चलिए बनाते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए पहले मसाला तैयार कर लेंगे। इतना मैंने मिर्चा रखी हूँ इधर जार में, क्योंकि हम मिर्चा ज़्यादा रख रहे हैं। पकौड़ी हमें तेज चाहिए, और तेज पकौड़ी नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, इसीलिए मिर्चा मैं ज़्यादा लिए हूँ। जीरा डालूँगी एक चम्मच, और चार ये बड़ा बड़ा साइज का कर दिया लहसुन का, ये भी डालकर और पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे। इधर हमारा दाल भी बन रहा है और भात भी बन रहा है। कुकर का सीटी आ रहा है, कुकर का सीटी का आवाज़ आ रहा है। अब हम चलिए इसे पीस कर और इसके बैटर तैयार करते हैं। देखिए इसे हम दरदारा पीस। देखिए एक कटोरी जितना मैं बेसन ली हूँ, ये चना का बेसन है। अब इसे मैं जो मसाला पीस के रखे हैं वो मिला देंगे। मसाला हम पूरा बारी नहीं पीसे हैं, थोड़ा सा दरदारा है, क्योंकि पकौड़ी में दरदारा थोड़ा चाहिए, कसके मेहनत नहीं चाहिए। अब इसे और इसी के साथ मैं डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा एक कश्मीरी लाल मिर्चा है, इसे भी डालूँगी, इससे अच्छा कलर आएगा। अब इसी के साथ नमक भी डालूँगी थोड़ा सा और डाल देते हैं जितना। अब इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे पानी डालकर, और पानी डालना है। अब इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। आप चाहेंगे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच से कर रही हूँ। अभी हमारा ये हम पानी डालेंगे थोड़ा सा। अब इसे भी अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब इसे में थोड़ा सा अजवाइन भी डालेंगे। अजवाइन डालने से क्या होता है, स्वाद भी अच्छा आता है, है पकौड़ी वकौड़ी खाने में जो तेल का सामान है थोड़ा सा टेस्टी वाला आदमी खराबी करता है, इसलिए हम लोग जवाइन डालते हैं। और इसे भी अच्छा से बैटर बनकर रेडी हो गया है, इसे हम साइड में रखते हैं और पकौड़ी बनाने के सामान काटते हैं। देखिए पकौड़ी के लिए हम सामान काट कर रख लिए हैं। ये थोड़ा सा लौकी है, थोड़ा सा पुरोरा हम काट के रखे हैं, थोड़ा सा केरा है, और एक प्याज काट के रखे हैं। प्याज इस तरीके से मैं काटी हूँ। आप चाहिए तो बारी बारी भी काट कर पकौड़ी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से काटी हूँ। आज मैं पकौड़ी दाल भात पर खाने के लिए बना रही हूँ। आप चाहेंगे तो नाश्ते में भी बना सकते हैं, चाय के भी साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं खाने में आज पकौड़ी बना रही हूँ, खाने के लिए बना रही हूँ। आप लोग मैं दाल भात बनाने के रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि हम पहले ही बनाने के लिए रख दिए थे, इसीलिए खाली पकौड़ी की रेसिपी दिखा रही हूँ। अगले बार बनाऊँगी तो दाल और भात और पकौड़ी की भी रेसिपी मैं डालूँगी आप लोग के लिए। देखिए अब हम गैस भर देंगे। अब इसी पर कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो इसी में हम रिफाइंड डालेंगे पकौड़ी के छानने के लिए। पहले से मैं पकौड़ी बनाई थी, वो फिर हमारा बच्चा था, इसी में फिर आज भी बना रही हूँ। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक आप उस लोग से एक बात करना चाहते हैं। हमारे वीडियो को प्लीज़ देखिए और लाइक करिए, और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए। हमारे नए वीडियो देख रहे हैं आप लोग, नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं, प्लीज़ करिए, हमें भी सपोर्ट करिए आप लोग। अब इसी के साथ मैं थोड़ा सा बैटर डाल कर देखती हूँ गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए अच्छा से गर्म हो गया है। अब इसी पर हम पकौड़े बनाएँगे। इसी तरीके से हम सब डाल देंगे और डालकर इसे अच्छा से ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे एक साइड से। देखिए कढ़ाई में जितना आएगा उतना हमने डाल दिए हैं, और इसे एक साइड से पकने दें। देखिए एक साइड से हो गया है, और इसे हम पलट देते हैं। दूसरा साइड भी इसी तरीके से पकने देते हैं। मैं तो आज बेसन से बना रही हूँ,
आटा लेगा तो चावल के आटा से भी बन सकता है पूरी। चावल के आटा से भी बहुत ज़्यादा कुरकुरे होते हैं, बेसन से होता है जो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। गरम गरम खाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठंडा होने पर थोड़ा सा नरम हो जाता है। ये देखिए अब एक प्लेट कप देखेंगे जिस तरह से बना है कि नहीं। देखिए अच्छा से बन गया है, अब इसे हम छान लेंगे छाने से। एक हाथ से मैं कैमरा कर रही हूँ, मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से बना रही हूँ, इसीलिए आप लोग को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग का पूरा दिखाने के लिए। तो देखिए हम इसे इस तरह से कर देंगे, पूरा तेल निकल कर हमारे कढ़ाई में चला जाएगा। फिर हम अब दूसरा डालेंगे बनाने के लिए। देखिए इसी तरीके से मैं लौकी भी बना रही हूँ, गोभी के लिए इसी तरीके से जितना आएगा उतना हम डालेंगे। इसे पूरा लौकी के भी डाल दिए हैं, अब इसे भी कढ़ाई होने देते हैं। अब इसी तरीके से हम सब बना लेंगे। लीजिए इसी तरीके से हमारा पूरा पकौड़ी बनकर रेडी हो गया है, अब इसे भी निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देंगे। देखिए अच्छा से बनकर अब रेडी हो गया है। देखिए अच्छा से इसे भी छान कर अलग कर देंगे, इसे पकौड़ी में रख देंगे। गैस को बंद करेंगे। देखिए बेसन हमारा बच गया है और एक कटा हुआ सामान बचा है, अब इसे हम बाद में बनाएंगे और फिर गर्म गर्म खाएंगे। इस तरह से बैटर बनाने से क्या होता है, ये पकौड़ी जो होता है ना वो अलग अलग ये बेसन नहीं उतरता है, और हमारा है जो केरा है लौकी है वो छीला छीला सा नहीं दिखता है। इस तरह से बहुत अच्छा बनकर रेडी हो जाता है। अब चलिए निकाल कर आपको दिखाते हैं। अब लीजिए हमारा गर्मा गर्म खाना बनकर रेडी हो गया है। तो दाल भात आपको बनाकर नहीं दिखाए थे, लेकिन अब बनाए हैं तो खाना तो दिखाना पड़ेगा। पकौड़े की हमारा रेसिपी कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारा वीडियो कैसा लगा पूरा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना तो भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग भी बनाइए और खाइए गर्मा गर्म पकौड़ी।